आज जो शख्स हमारे साथ हैं उनका साक्षात्कार करने के लिए कई रोज से हम भी सोच रहे थे और वो भी चाह रहे थे, लेकिन दोनों की व्यस्तता, हमारी भी व्यस्तता और वो तो खुद व्यस्त है ही, एक तरफ जहां उनका खुद का व्यवसाय भी है लंबा चौड़ा और दूसरी ओर यह पार्टी का काम, इसमें व्यस्तता रही, मुलाकात नहीं हो सकी। आज मुलाकात भी है तो आज हम पूरा बात करेंगे कि व्यवसाय के साथ साथ सक्रिय राजनीति में आने का कैसे उन्होंने सोचा। और एक दूसरी बात, वर्तमान गुजरते वक्त में यह बात कही जा रही है कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, युवाओं की भागीदारी ज्यादा सुनिश्चित होनी चाहिए और हो भी रही है, अब के युवा राजनीति में आ भी रहे हैं। तो ज्यादा भूमिका ना बनाते हुए सीधे विषय पर आते हैं। आज जो शख्स हमारे साथ हैं वो भारतीय जनतंत्र मोर्चा के जिला अध्यक्ष, गढ़वा जिला अध्यक्ष सुयश पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम सीधे मुखातिब होंगे। तो जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप, हमने कहा शुरुआत में ही कि आप व्यवसाय में सक्रिय, व्यवसाय है बहुत लंबा चौड़ा, उसके बाद यह राजनीति कैसे? पहले तो मैं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में जाने जाते हैं आप लोग, मीडिया वाले लोग, आपका काफी हृदय धन्यवाद देते हैं आप लोग को। और धन्यवाद हम हमेशा देंगे अपने जितने भी चाहने वाले हैं, शुभचिंतक हैं हमारे, जो हमेशा से सहयोग देते हैं और सपोर्ट करते हैं। और जैसा आप प्रश्न पूछे राजनीति, राजनीति एक ऐसा चीज है जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर इंसान को पॉलिटिक्स में आना ही चाहिए। पॉलिटिक्स जरूरी है, क्यों? क्योंकि भाई समाज में बदलाव चाहिए इंसान, हमारे जनता को, चाहे वो किसी भी प्रदेश का हो, तो समाज में अगर कोई चेंजिंग लाना है या अपना कुछ, अगर मन में कुछ चल रहा है उसको लाना है, तो भाई आप पॉलिटिक्स में जुड़िए। आपको समाज में हर किसी को जोड़ते हुए अपने बातों को रखना चाहिए। और हम लोग देखते आ रहे हैं, मेरा, मेरे खुद का राजनीति में आने का मेन वजह, शुरू से तो मैं व्यवसायी हूँ, उसका मुख्य कारण यह है कि हमारे जो आलाकमान है श्री सरयू राय जी, हमारे पार्टी के संरक्षक, पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा के जो संरक्षक हैं श्री सरयू राय जी, उनका जो आइडियोलॉजी है और वो शुरू से जो उनका कार्य रहा है हमारे स्टेट में, वो काफी प्रभावित करने वाला रहा है। उससे देखिए कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू से लड़ाई लड़े हैं और सच्चाई के साथ अपने आप को हर जगह रखे। शुरू से आप देखेंगे मतलब युवाओं को भी काफी उन्होंने प्रोत्साहित किया और काफी ऐसे ऐसे योजनाओं को लाया जो हम लोग सोचते थे कि हमारे वे क्षेत्र में आएगा। और अभी जो पार्टी वो बनाए हैं, उस पार्टी से हमको मतलब एक मौका है हमारे पास कि पूरे झारखंड में इसको हम फैलाएं और उनके उद्देश्यों को हर जगह लाएं। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा प्रभावित करने वाला वजह था जो मुझे राजनीति में खींच लाया। और मैं उनके साथ हमेशा शुरू से मैं उनके साथ उठता बैठता था और उनसे काफी कुछ सीखता था पॉलिटिक्स में। ये भी सही है कि मैं आना नहीं चाहता था या मेरे लिए, मेरे पास समय का थोड़ा सा अभाव था, लेकिन उनका जो उद्देश्य है वो मुझे खींच लाया और मैं ना मतलब मैं उनके साथ जुड़ने में मुझे बड़ा सौभाग्य महसूस। आज की सही बात है, उनसे आप जुड़े हैं, उनकी पार्टी के आप जिला अध्यक्ष हैं, सीखने का मौका मिल रहा है आपको, बहुत ज्यादा आप सीखेंगे भी, क्योंकि आज वर्तमान झारखंड में कई ऐसे राजनेता हैं जो उनसे सीखते हैं, उनके पक्ष के हों, विपक्ष के लोग हों, आदर करते हैं, उनकी बातों को शिद्दत से समझते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हीं के नक्शे कदम पर हम चलें। आप उनसे जुड़े हैं, अभी हाल में एक बैठक भी हुई जी जमशेदपुर में जी, आप उसमें शिरकत भी किए जी, कोर कमेटी भी बनी है जी, इसमें राज्य से दो ही लोगों को, दो जिले के जिलाध्यक्ष को उसमें शामिल किया गया है, इसमें एक आप भी हैं, क्या विशेष रूप से क्या बातें हैं इस बैठक? पहले तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री सरयू राय जी, जो हमारे एक राजनीतिक करियर में या राजनीति में हमारे जो आइडल है, वो इतना भरोसा जताए और इतना भरोसा किए हम पे कि हमको कोर कमेटी के सदस्य में चुने और एक मेंबर के तौर पे मुझे मीटिंग में भी बुलाए, मैं उस मीटिंग में गया भी।
वो कोर कमेटी का मीटिंग एक पूरे झारखंड से कुछ चुनिंदे 9 लोगों को चुना गया है, उसमें कुछ अपना जो कुछ डिसीजन है तो पार्टी के हित में सबके राय मशवरे से जो फैसला लिया जाए, किसको टिकट देना है, कहां से कौन किस विधानसभा क्षेत्र से कौन सही उम्मीदवार है। क्योंकि देखिए एक ये बहुत बड़ा वजह है कि हमारे जो पार्टी के लीडर हैं श्री सरयू राय जी, हमारे जो संरक्षक, उनके उद्देश्यों को फॉलो करते हुए हम लोग एक अच्छे उम्मीदवार का भी चयन करें हर क्षेत्र से, जिनका स्वच्छ छवि हो, जो अच्छे खुद से भी अच्छे कार्य में शुरू से लगे हुए हो और एक पूरे क्षेत्र में एक अच्छे उम्मीदवार के रूप में उभरे। तो हम लोग ये एक मुख्य वजह था मीटिंग का। और मीटिंग में हम लोग लोकसभा जो आने वाला पहले लोकसभा का चुनाव है उसके विषय में भी काफी चर्चा हुई और 7 भागों में पूरे झारखंड को बांट करके हम मतलब जो भी मीटिंग में शामिल थे उसमें लोगों को प्रभार दिया गया कि भाई कितने एरिया को हमको मैनेज करना है और पार्टी को तेजी से विस्तार भी करना है क्योंकि जो उद्देश्य हो वो पूरा हो। अब व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से अनुभव आपको रहा होगा कि प्रतिस्पर्धा होती है, पूरा कंपटीशन का बाजार होता है, व्यवसाय भी उसको झेलते हुए आज एक सफल व्यवसायी आप बने। राजनीति भी उससे कुछ अलग नहीं है, राजनीति में भी आपको जो आपके साथ होंगे आप बोलें कि हमारे साथ हैं, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका पैर खींचते आपको दिखेंगे, आपको कहीं ना कहीं महसूस होगा। तो राजनीति भी एक बहुत बड़ी चुनौती है राजनीति में सफल होना। आप जिनके साथ हैं, जो आपके आइडल हैं सरयू राय जी, अब उनके बारे में कहा जाता है कि कितने लोगों का खाता उनके पास है, कब किसका खाता वो बही और निकाल दें कुछ कहा नहीं सकता। इस तरह उनके विरोधी लोग हैं तो राजनीति में आप आज शुरुआत कर रहे हैं तो विरोधियों का भी सामना करना पड़ेगा, पूरा झंझावत को झेलना पड़ेगा। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं तो कभी कभी अपने आप को कोई सफल व्यवसायी भी नहीं मानता हूँ क्योंकि रोज हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं और सीखना चाहिए भी और हमेशा अपने आप को थोड़ा डाउन टू अर्थ रख के चलना भी चाहिए। मैं ये सोचता हूँ कि मैं हर किसी से कुछ ना कुछ ज्ञान ले लूँ। अभी मैं राजनीति में आया हूँ और आप लोगों का सपोर्ट होगा, आप लोगों का आशीर्वाद, बड़े लोगों का सबका आशीर्वाद होगा तो कुछ अच्छा होगा। और जहाँ तक की बात है सरयू राय जी का, जो आप प्रश्न पूछे कि वो उनके पास सबका कच्चा चिट्ठा, ये देखिए ये एक ऐसा चीज है कि समाज में कुछ लोग हैं जो जिनको गलत साबित करना चाहिए जो हैं और जिनको एक्सपोज करना चाहिए क्योंकि वो गलत कर रहे हैं। और सरयू राय जी हर किसी के खिलाफ नहीं है, वो गलत हो रहे जो कुछ गलत हो रहा है, जो कुछ गलत फैल रहा है या कुछ लोग भ्रष्टाचारी है, कुछ लोग गलत तरीके से अपना ही पे भी हक जमाए बैठे हैं, तो उन लोगों को एक्सपोज करके सबके सामने लाना ये एक बहुत बड़ी बात है और वो जो कर रहे हैं उसका हम लोग को सम्मान करना चाहिए। अब वो सीधे शब्दों में सोचिए, हम रुकना चाहेंगे, वो सीधे शब्दों में ये बात आती है कि जो गलत होते हैं, जो भ्रष्टाचारी होते हैं, जो राजनीति में आने के बाद भी गलत कामों में लिप्त रहते हैं उनके बारे में तनिक भी बोलने से परहेज नहीं करते हैं, लेकिन राजनीति में जो सही है उनकी सराहना भी करते हैं, भलो हमारा विरोधी क्यों ना हो। अभी हाल में उस रोज आप भी थे मौजूद जिसमें हम लोग को बाइट दे रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं पहले भी गढ़वाता था जी, आज भी गढ़वा रहा हूँ जी जी, लेकिन पहले से का गढ़वा आज के गढ़वा में बहुत अंतर है जी। तो जो सही है उनकी सराहना भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ वो जब भी हम उनके पास बैठते हैं ये चीज वो हमेशा बोलते हैं, हमेशा से बोलते हैं कि जो चीज सही है उसको हम लोग को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जैसे वो गढ़वा आए तो उन्होंने बोला कि गढ़वा में आज कुछ अच्छे कार्य भी हो रहे हैं और वो उन्होंने आपके सामने भी उस बात को रखा था, जैसे कुछ कुछ अच्छे चीज, जैसे गढ़वा में जो सौंदर्यीकरण के रूप में हमारा घंटाघर देख लीजिए, उसका मैं कभी भी विरोध या कभी भी वो गलत चीज के रूप में नहीं है। आप टाउन हॉल भी हो गया, टाउन हॉल भी बड़ा अच्छा एक सुंदरता के रूप में एक अच्छा व्यू बनाता है गढ़वा का। तो ये हम लोग के लिए एक प्राउड वाली बात है कि हमारे क्षेत्र में ऐसा ऐसा काम हो रहा है और जो हो रहा है उसके लिए वो गलत कभी नहीं बोले। ये चीज तो आप ही जानते हैं कि सही चीज को वो अप्रिशिएट करते हैं और जहां तक की बात है गलत चीजों के लिए, वो खड़े भी रहते हैं उसको एक्सपोज करने के लिए। और ये वो इनका मोटिव भी है, हर किसी को
हम एक सीख भी देते हैं कि आप भी गलत का विरोध करिए। हमने एक स्टेटमेंट अभी एक वीडियो भी डाला हुआ था इंडिपेंडेंस डे के दिन कि लोगों को स्वतंत्र होना चाहिए अपने वक्तव्य को रखने के लिए, अपने बातों को आप सबके सामने रखिए। यह भी एक हमारे पार्टी का बड़ा मुख्य एक स्लोगन कहिए उसको, भय भोग भ्रष्टाचार, जिसको जिसको हम लोग सामने रख करके अपने राजनीति को शुरू किए हैं। तब किसी विषय पर मुखर रूप से बोलेंगे नहीं, है तो बात सामने आई है, बड़ा जरूरी चीज है हटाना, क्योंकि भय ही आपको हर काम से रोकता है। आप कुछ अच्छा करने जाइए, आपके अंदर भय होगा कि समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे। भ्रष्टाचार तो फैला हुआ है ही, भ्रष्टाचार अगर रहेगा तो आप बिल्कुल पीछे जाएंगे। और भूख जो एक दूसरा नंबर वाला चीज है, भूख है बेरोजगारी से, बेरोजगारी तो हर जगह, आप ये तो भाई जग जाहिर चीज है, आप भी इसी प्रदेश के हैं, हम भी इसी के हैं, लोग देख रहे हैं कि ना तो रोजगार ना तो रोजगार भत्ता, जो प्रॉमिस किया हुआ चीज था वो भी नहीं वो मिल रहा है आज के डेट में। तो भाई जो गलत है उसका तो विरोध होगा ही, विरोध करना भी चाहिए, क्योंकि भाई अगर आप नेता है तो आप जनता के साथ है, आप जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जनता के साथ अगर आप खड़े हैं तो भाई उनके ही मुद्दा को आप उठाइएगा और सामने रखिएगा। जी झारखंड का गढ़वा पलामू वो जिला है जिसे सूखा के लिए अभिशप्त कहा जाता है, सूखा यहाँ के लिए अभिशाप है जी। ऊपर के बारिश पर लोग खेती का आसरा देखते हैं, बारिश नहीं होती है, कांग्रेस हर साल कहीं कि सूखा पड़ जाया करता है। पलामू वो जिला है जहाँ पर छतरपुर में एक साथ 1000 लोगों ने इच्छा मृत्यु की मांग कर डाली थी एक बार, क्योंकि लगातार सूखा का सामना झेलते हुए लोग इतना अजीज हो चुके हैं। दूसरी ओर देखिए आप, यहाँ लोग पलायन करते हैं, पलायन वो भी इसका है कि जहाँ लोग दो रोटी के लिए दो निवाले के लिए खुद भी खाएं खुद परिवार का भरण पोषण करें सुदूर प्रदेशों में जाते हैं, जहाँ उनके पाले में रोटी कम मौत ज्यादा आती है। आज हर जगह देखिए, कभी कभी किसी प्रखंड में, कभी किसी प्रखंड में, बगल का आप कांडी प्रखंड देख लीजिए, जहां पर अभी फिलहाल में कई लोगों की मौत हो गई, बाहर काम करने के दौरान उनका डेड बॉडी घर आया, यह स्थिति है। इस पर अभी तक हर सरकार, किसी एक सरकार को दोषारोपण नहीं करेंगे, आप खुद समझ रहे हैं कि हर एक सरकार का वादा रहा पानी खेत तक पहुंचाने का, यहाँ तो हलत तक नहीं हो रहा है, पानी खेत तक नहीं पहुंच रही, नतीजा की पलायन की व्यवस्था बनी हुई। ये हमारे क्षेत्र का एक मुख्य रूप से देखा जाए तो बहुत बड़ा एक समस्या, पानी भी आता है तो लोग हमेशा से उठाते आए हैं, और अगर इसको सॉल्व नहीं किया जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि भाई ये सुखाड़ क्षेत्र घोषित तो हो भी गया है, और इसका इसके बारे में हमारे मान खुले हुए भी थे कि भाई जहाँ पे पानी का समस्या है उस मुद्दे पे लोग देखे भाई उसके उसको रिजॉल्व करने के लिए कोशिश करें किस तरह से रिजॉल्व होगा। और जैसे सप्लाई वाला ही है, सप्लाई का काम, ये पानी घर घर तक पहुंचे वो काम हो, बोरिंग पे रोक लग जाए, ये सब कार्य से शायद पानी का समस्या दूर हो जाए, और अगर आप किसी मुद्दे पे फोकस करेंगे तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा, और अगर आप उस मुद्दे से भटक जाएंगे आपको दिखेगा ही नहीं कि जनता जनता किस बात से त्रस्त है, तो आपके पास फिर जनता भी परेशान और आपके पास भी आवाज तो उठेगा ही उठेगा। ये तो इसके लिए तो काम बेशक करना चाहिए, और हमारा भी जनता से जुड़ा हर समस्या से हम लोग जुड़े हुए हैं, और उनके हर बड़े से बड़े समस्या को हम लोग समाधान करने के लिए खड़े हैं, हमेशा खड़े रहे। तीन जिले का आपको प्रभारी बनाया गया है कोर कमेटी के बाद बैठक के बाद, पलामू गढ़वा और लातेहार जी। पलामू गढ़वा, खास करके पलामू की बात करें, जहाँ कई ऐसे राजनेता हैं, इस पलामू को राजनीति के लिए का राजधानी कहा जाता है, जहां आपको सीखने का ही मौका मिलेगा, जहां के जनता को परिपक्व कहा जाता है, उनके पास भी आप पहुंचेंगे, उनकी समस्या के बाबत अगर आप मुखर होंगे तो निश्चित रूप से सीखने का मौका मिलेगा। देखिए मैंने तो पहले भी बोला कि हम लोग को हमेशा डाउन टू अर्थ रह के काम करना चाहिए, कोई भी काम अगर हम लोग कर, और मैंने अपने पहले इंटरव्यू में भी बोला था कि कोई पद नहीं होता है, जिलाध्यक्ष का पद मुझे मिला है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वो हमारे पार्टी के जो मुख्य लोग हैं श्री सरयू राय जी, धर्मेंद्र तिवारी जी, उन्होंने हम पर विश्वास जताया, लेकिन मैं जो काम करना चाहता हूँ मैं कार्यकर्ता बनकर ही काम करना चाहता हूँ, एक जनता बनकर ही काम करना चाहता हूँ, एक जनता का बस आवाज उठाऊँ, चाहे वो अभी भी जो आप बोले कि प्रभार मिल गया, प्रभार नहीं भी मिलता तो भी मैं हर किसी से जुड़ा हुआ हूँ, पूरे झारखंड में मैं कहीं भी कोई भी इंसान, अगर मैं इस राजनीति में आया हूँ मेरे पास अगर कहीं का भी कोई भी इंसान अगर आता है
और कुछ भी बोलता है तो मैं चाहूंगा कि मैं उसके हर समस्या के साथ में खड़ा रहूं, पहले उसका समाधान अपने हिसाब से मैं पूरी तरह से कर लूं, ना हो पाए तो उसको आगे तक ले जाऊं, जितना हो पाए मैं करूं, क्योंकि मैं भगवान तो हूं नहीं कि भाई चुटकी बजाया और समस्या का समाधान हो गया। तो मैं उसको हर अपना हर संभव मदद करने का पूरा प्रयास करूंगा। और ये जो भी तीन जिला का प्रभार की आप बात कर रहे हैं, ये शुरू से ही मेरे अंदर है कि मैं हर किसी के साथ जुड़ता रहूं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र। और जिला स्तर पर जो संगठन है उसके विस्तार भी करना है आपको? हर जगह लोग, जैसे और भी जगह पे जिला अध्यक्ष का नियुक्ति हुआ है, लोग भी अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभा रहे हैं और अपने अपने टीम का विस्तार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुयश जी। तो हमारे साथ सुयश पांडे जी थे, जो भारतीय जनता दल मोर्चा के जिला अध्यक्ष गढ़वा बनाए गए हैं। सरजू राय जी की पार्टी है, अब आप समझ सकते हैं कि सरजू राय जी की पार्टी है तो कितनी पारदर्शिता के साथ वहां पर काम होगा। जब वो किसी सरकार के लिए यह बात कहा करते हैं कि पूरी पारदर्शिता के साथ काम हो, कहीं से कोई अंदर में भेद रखकर, कोई राज रहकर नीति ना हो यानी राजनीति ना हो, तो खुद की पार्टी उनकी है तो किस तरह से काम होगा, पार्टी का किस तरह से विस्तार होगा, यह बात कुछ समझने वाली है। आप बखूबी उन्हें भी समझ रहे हैं, उन्हें भी जान रहे हैं, रोज उनके बारे में आप पढ़ा करते हैं, उनसे सुना करते हैं, जब भी किसी भी चैनल में साक्षात्कार देते हैं, कहीं किसी मौके पर वो बैठ दिया करते हैं, आप तक वो बात पहुंचती है। बात रही सुयश जी की, तो राजनीति की अभी शुरुआत है, या तो खुद कर रहे हैं कि मैं यहाँ देखा जाता है राजनीति में कि लोग को अगर कोई पद मिल जाता है तो शुरुआत से यहाँ कहना शुरू कर देते हैं कि मैं नेता, जबकि सुयश जी हमको पहला मिले जो यह कह रहे हैं कि मैं अभी से लेकर के अंतिम तक कार्यकर्ता बनकर ही पार्टी में जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसका मैं बखूबी निर्वहन करूंगा। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि राह में पर्वत पड़ेगी सुयश जी, लेकिन उसको तोड़ना पड़ेगा, रोकेगी धार आपको, उसे मोड़ना पड़ेगा, नजरों में रहेगी मंजिल तक पहुंचना आसान होगा, आप अकेले हैं कहां, संग आपके आवाम। धन्यवाद।